चेंज करके मैं यहाँ पे अगर मान लो मैं अशरफ इंटरप्राइजेस लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं अशरफ लिख सकता हूँ। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये मैंने अशरफ लिख दिया और यहाँ पे हम लेंगे ये देखिए हम लिखेंगे वो बारकोड में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट करने के बाद हम इसको कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया और ये हमारा बारकोड यहाँ पे सेट हो गया। तो आपको प्रिंट करना है, मैं आपको इस पर प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ रखेंगे ऐसे, आप देखें बिल्कुल जो आप अगर पैकेजिंग बिजनेस कर रहे हैं उस पर डेट डालना है, MRP डालना, चाहे किसी भी सरफेस हो, जैसे आपका पाउचेज हो या वुडेन हो, बॉटल हो, किसी भी तरीके का सरफेस का आइटम होगा उस पे इजीली हमारे पास जो इस तरह की मशीन किसी भी कर सकते हैं हम उस। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि को फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बिजनेस वुमेन अंजलि में। तो दोस्तों, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तकनीक ऐसी चाहिए होती है जिससे जो हमारा बिजनेस करने का तरीका है वो इजी हो जाए, हमारे काम जल्दी हो जाए, ताकि हम कम समय में ज्यादा काम अपने क्लाइंट्स को करके दे सके। तो मेरे साथ है आज यहाँ पे अशरफ सर, अशरफ एंटरप्राइजेस से, जो कि आपको बताएंगे कुछ ऐसी यूनिक मशीनों के बारे में जिससे आपका काम बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सर थोड़ा अपना इंट्रो दीजिए सबको। नाम है अशरफ, मेरी कंपनी का नाम है अशरफ एंटरप्राइजेस और ये कंपनी दिल्ली में भी है, बिहार में भी है और बॉम्बे में भी है। आज जो हम बेसिक दिखाने वाले हैं मशीन, डेट वगैरह के लिए दिखाने वाले हैं, जो काफी लोगों को पाउच पे किस तरह से जो है डेट डाला जाता है, MRP डाली जाती है, खुद का अगर कोई कंपनी का ब्रांड है उनका, जैसे किसी का लाइसेंस नंबर है वो डालना है, तो कुछ लोग स्टिकर बनवाने के लिए अलग अलग स्टेट में परेशान होता है और स्टिकर भी कॉस्टली पड़ता है उनको, 40 पैसे 50 पैसे, और एक अजीब सा अलग सा लगता है। तो हम जो आज दिखाने वाले हैं इस वीडियोज में मैम, इसमें ऐसा सोल्यूशन देने वाले हैं कि हम लो बजट का भी और हाई बजट का भी और हाई प्रोडक्शन की भी मशीन हम इसमें दिखाने वाले हैं। इस मशीनों से आप जो आपका काम आसान हो जाएगा, जो आप अगर पैकेजिंग बिजनेस कर रहे हैं उस पर डेट डालना है, MRP डालना, चाहे किसी भी सरफेस हो, जैसे आपका पाउचेज हो या वुडेन हो, बॉटल हो, किसी भी तरीके का सरफेस का आइटम होगा उस पे इजीली हमारे पास जो इस तरह की मशीन किसी भी कर सकते हैं, हम उस तरीके की मशीन दिखाने वाले हैं आज इस वीडियोज में। तो वीडियोज में बने रहे लास्ट तक और हम आपको पूरी फुल डिटेल देंगे इस वीडियो में, किस तरह से हमारी मशीनें वर्क करती है और क्या कॉस्ट रहेगा और कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसकी सर्विस क्या रहेगी, वारंटी क्या रहेगी। मशीन की मैं अभी बात कर रहा था कि डेट के लिए जो है काफी लोगों को MRP वगैरह के लिए, तो जैसे हम आपको अब डेमो देने वाले हैं, हमारे पास अभी जो प्रेजेंट में आपको मैं मशीनें दिखाऊंगा इस वीडियोज में, 3 मशीनें दिखाने वाला हूँ। एक तो आप मेरी देख सकते हैं, ये मैनुअली है, जिसमें मैनुअल में इस तरह का जो है इसका एक मशीन का पूरा पैनल है, ये इंक का डब्बा है और इसमें जो ABCD या अल्फाबेट जितने भी होते हैं एक्सपायरी वगैरह के वो है इसके अंदर में। एक हमारी ये डिजिटल वाली मशीन है, तो मैं सबसे पहले एक डिजिटल वाली करके दिखा देता हूँ। मैं आपको इस वीडियोज में बता दूं कि ये मैनुअली है, तो मैनुअली काफी लो कॉस्ट की मशीन है, अगर किसी का बजट लो कॉस्ट है तो उसको ये मशीन आपको जो इजिली ले सकते हो। अब हम आपको डिजिटल वाली दिखा रहे हैं, ये हमारी थोड़ी हैवी कॉस्ट की है, 20,000 अप्रोक्सीमेट जाने वाली है। ये हमारा टच स्क्रीन होता है इस तरीके से एडिट करके, जैसे हमने इस पे नंबर सेट किया हुआ है इस तरीके से जो है हम आपको पेन से चला के दिखाते हैं। जैसे कि मैंने BN नंबर लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। चेंज करके मैं यहाँ पे अगर मान लो मैं अशरफ इंटरप्राइजेस लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं अशरफ लिख सकता हूँ। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये मैंने अशरफ लिख दिया और यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको आगे पीछे भी करके साइज एडजस्ट कर सकता हूँ, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकता हूँ। मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, बाकी जब आप मेरे ऑफिस आएंगे तो पूरे फंक्शंस आपको जो इस मशीन के हम आपको बिल्कुल बताने वाले हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ, इसका ये इंक का कार्ट्रेज होता है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ ये इंक का कार्ट्रेज होता है। ये जो कार्ट्रेज होता है, आप जो है एक कार्ट्रेज अगर आप लगा लेते हो तो काफी पाउचेज या किसी तरह का वुडेन हो या बॉटल हो, किसी भी सरफेस पे प्रिंट करना हो तो इजिली आप प्रिंट कर सकते हो। मैं आपको अभी दिखा दूँ एक बार, तो जैसे कि हमारा ये इस तरीके से जो है हमने मशीन में लगा दिया है। अब हम पाउच दिखा रहे हैं आपको, अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है पाउच में। तो हम जो है इस पे प्रिंट करके आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये प्लेट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, अब मैं बिना प्लेट के भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रिंट करनी है और ये हमारा वो स्क्रीन है इसका, हम यहाँ पे बटन दबाएंगे और बहुत ही आसानी से हम यहाँ रखेंगे और ऐसे करने के बाद ये देखिए आपका छप गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं अशरफ छप गया है, एक्सपायरी डेट छप गया है, MFG छप गया है 2025। इसी तरीके से आप कुछ भी इसके अंदर में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको इसमें QR कोड भी करके एक बार दिखा देता हूँ, तो इसमें QR कोड किस तरीके से जो होगा ये देख सकते हैं। हम यहाँ से जो है इसको
बैक करेंगे, हम ऐड फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड जाएंगे, यहाँ पे बारकोड का ऑप्शन आ रहा है, बारकोड में जाएंगे, कुछ भी अगर हम लिखेंगे वो बारकोड में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट करने के बाद हम इसको कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया और ये हमारा बारकोड यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैं यहीं पे आपको, जैसे मैंने अभी प्रिंट किया था, इसके बिल्कुल ऊपर में जो एग्जैक्ट, मैं आपको ये साइड में प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ये देखिए किस तरीके से आपका बारकोड और अशरफ के नाम से जो था ये आपका बिल्कुल प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारी डिजिटल मशीन है, इससे आप जो है चाहे कार्टून पे, अब मैं आपको वुड कार्टून पे भी करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आप ये देख सकते हैं कार्टून है और इस पे प्रिंट करना है। अब मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगा, ये देखें इस तरीके से जो है आपका बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा, इस पे भी सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस पे भी बिल्कुल किसी भी प्रिंट कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का आइटम है आपका, इस पे आपको प्रिंट करना है। मैं आपको इस पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, यहाँ रखेंगे ऐसे आप देखें बिल्कुल प्रिंट हो गया बिल्कुल। तो ये ऐसी अनोखी मशीन है जिससे आप किसी भी सरफेस पे प्रिंट कर सकते हैं। अगर बॉटल पे करना चाहते हैं या आप जो किसी वुडन बॉक्स पे करना चाहते हैं। अब काफी लोगों को ये होगा कि भाई हमारा सरफेस एक जैसा नहीं है, गड्ढा टाइप का है, तो आप ये प्लेट यूज कर सकते हो। ये प्लेट यूज करके आप कहीं पे भी प्रिंट कर सकते हो। ये प्लेट इसलिए होता है कि इसको कमांड देने के लिए। अब हम आपको दिखाने वाले, ये तो हमारी डिजिटल मशीन हो गई जी, ये पूरी बॉक्स पैकिंग आएगी, इसमें सेंसर भी होता है और इस तरह से सेंसर वगैरह सारा इसमें किट आएगा। ये इसलिए यूज होता है कि आने वाले टाइम में जैसे इस मशीन को ऑटोमेटिक सिस्टम किसी को करना होता है कि भाई हमें बॉटल टच ना करना पड़े। जैसे ये हमारा आइटम है, हम चाहे कि उस पर रख दें और वो जब गुजरे तो खुद प्रिंट हो जाए, आपको हैंड यूज ना करना पड़े। तो उसमें थोड़ा कॉस्ट 45,000 के अप्रोक्सीमेट ऊपर जाता है। तो अगर किसी का बजट है कि ऑटोमेटिक सिस्टम, तो मैं वीडियो वैसे आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, उसमें दिख जाएगा कि किस तरह से ये ऑटोमेटिक भी चल रहा है, मैनुअली हाथ से भी चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको लो बजट, लो बजट मतलब 2000 से लेके 2600 तक का दिखाता हूँ, जो काफी लोग जैसे पाउच वगैरह पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये हमारा पाउच है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारा डब्बा है मैनुअली का, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा डब्बा है। इसमें ABCD अल्फाबेट सीजर रखे हुए हैं, इस तरह के ये है। ये हमारा इंक का डब्बा हो गया, एक हमारा ये थिनर हो गया और ये हमारा इंक हो गया। ये हमारा ये होता है जो यूज करते हैं इसके अंदर में इंक डालने के लिए। तो मैं आपको दिखा दूं, ये हमारी मशीन है, ये हमारा इसका पूरा बॉडी है, फ्रेम है जिसमें हम अल्फाबेट वगैरह डालेंगे। ये हमारा इसमें जैसे किसी को 1 नवंबर 2025 डालना हो या लाइसेंस नंबर डालना हो उसके लिए होता है। अब जैसे मैं सेट करने वाला हूँ 01 से मैं सेट करने वाला हूँ, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने 01 सेट कर दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर में जैन सेव कर सेट करने वाला हूँ। तो मैंने अलग अलग अल्फाबेट होते हैं, न्यूमेरिकल जी न्यूमेरिकल अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो आप करना चाहते हैं उस हिसाब से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें सारा करके हो गया, ये हमारे अल्फाबेट जो थे इसके अंदर हमने बैठा दिया है। अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको जैसे लगाना था हम इसको इस तरीके से वापस इसके अंदर मशीन के अंदर। ये हमारी मैनुअल कोडिंग मशीन है, ये हमारा इंक का डब्बा है। अब हम क्या करेंगे, ये इंक का डब्बा है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर इंक में डाल देंगे। अब इंक डालने का जो तरीका है, टैब ड्रॉप से इंक डाल लो या ऐसे करके जो है, ठीक है, आपको जहां भी प्रिंट करना है ऐसे इंक आप। और डेट डालने का जो तरीका होता है, काफी लोग सोचते हैं कि मैं रोज रोज ये सब करता रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप एक दिन ऐसा सेट कर लो मंथ में, या कि भाई हमें हफ्ते में जो एक दिन बैठना है और हफ्ते दिन की जो पाउच है या किसी तरह का आइटम पे आपको डेट डालना है, वो एक ही दिन पहले सेट करके डाल लो। रोज रोज कोई भी जो है डेट नहीं डालता है। तो इस तरीके से जो है आपका, जैसे आपका यहाँ ये इनका जो पैड होगा लग गया, और हम यहाँ से इसका जो लॉक छुड़ा देंगे, और मैं एक आपको नॉर्मली इस पे करके दिखाता हूँ। पहले देखो, ये देखिए जैसे 10 जैन है ना 2023, अब मैं पाउच पे करके दिखाता हूँ, मैं पाउच पे करके आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे जैसे हमें छापना है, ठीक है, हम लेंगे ये देखिए 10 जैन 2023 छप चुका है। मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ, ये देखिए तो किसी का मतलब बिल्कुल ऐसे लॉक होना चाहिए।
तो मैं जी जी मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था, जो वीडियोस में काफी जो है मैंने आपको एक एक चीज खोल के ओपन करके सारा चेक करके दिखाया है। इसका मोटिव ये था कि आप अगर बजट कम है मैनुअली, आप चाहते हैं 2000 से 2600 तक की जो है कोडिंग मशीन लेना, तो मैनुअली ले सकते हैं। इस तरह की आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी। ऑटोमेटिक में जाना चाहते हैं कि भाई हमें बॉटल पे भी करना है, इस पे भी करना है, आपका बजट है 20,000 का, 18,000 का, 25,000 का, तो आप ये कर सकते हैं। ये हटेगा नहीं, ये परमानेंट इंक होता है, ये मिटेगा नहीं। ये जो हम दिखा रहे हैं आपको परमानेंट इंक होता है। बाकी वीडियो में जब आप कॉल करोगे कि सर हमने आपकी वीडियो देखी है कोडिंग मशीन की, तो हम उसकी डिटेल भेज, हम व्हाट्सएप शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे आप जो देख के फिर हमें बताओगे। हमारा ऑफिस दिल्ली में इंदरलोक में है, जो नियर आपका इंदरलोक मेट्रो पड़ता है, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली से 7 किलोमीटर की दूरी पे, और दरभंगा बिहार में है, जो एयरपोर्ट दरभंगा है वहां पे है। एक हमारा बॉम्बे मुमरा रेलवे स्टेशन के पास में ऑफिस है। एक मशीन मैम और दिखाना चाहूंगा मैं, इसमें काफी लोगों को प्रोडक्शन चाहिए होता है, जैसे वो सिर्फ पाउच पे आपका काम करेगा, वो 1 किलो से लेके 2 किलो पाउच तक जो होगा ना उसी साइज पे आपका चलने वाला, 50 ग्राम से लेके आप 2 किलो पाउच तक का जो साइज होगा आपका, जैसे ये सब साइज है, उस पे आपको अगर सिर्फ डेट वगैरह डालना, इसमें आप किसी कंपनी का नाम वगैरह नहीं डाल सकते हो, डेट वगैरह डाल सकते हो, नंबर्स वगैरह डाल सकते हो। उसके लिए आपको मैं हैवी मशीन दिखाने वाला हूं, जो उसमें क्या प्रोडक्शन आपकी ज्यादा होगी। जैसे आप मैनुअली कर रहे हो, उसमें पाउच आप गड्डी लगा दो ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। मैं वो मशीन एक बार आपको दिखाना चाहता हूं इस वीडियो में, फिर आगे की बात जो हम खत्म करेंगे इस वीडियो को। एक हमारी ये मशीन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये हमारे नंबर्स के किट दिए होते हैं, जो एल्युमिनियम ये इस तरह के होते हैं, ये हमारे साइज है ABCD 1 2 3 इस तरह का वर्ड होता है, और हमारा यह इंक का रोलर लगता है। ये रोलर भी हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है, 150 रुपीज का पीस आता है। और ये जो होता है इसके अंदर में हमारे जो अल्फाबेट है वो सेट होते हैं, और यहाँ पे हम पाउच की गड्डी है जो भी एडजस्ट करके जो है ना डालने के बाद हम अब यहाँ से चालू कर देंगे और ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। वीडियो की बैकग्राउंड में आप डाल देना, मैं इसकी पूरी डेमो दे देता हूँ, ठीक है। और ये मशीन भी हमसे खरीद सकते हैं, इसकी कॉस्ट जो है सिर्फ 35,000 रुपए हमारे पास, ये और स्टील बॉडी में है ये प्योर। हमने डेमो तो देख लिया, आप सर से जानते हैं कि अगर आपको बार कोडिंग की मशीन खरीदनी है तो कैसे आप खरीद सकते हैं और क्या क्या चीजें आप उसमें कर सकते हैं। तो बार कोडिंग की मशीन है, अगर किसी को लेनी हो, बिल्कुल कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको अपने लिए छोटी सी मशीन चाहिए हो, तो वो कैसे आपसे ले सकता है। मैम जैसे कि मैंने मशीन की पूरी डेमो भी दिखा दी आप लोगों को, देख तो समझ में आ गया होगा कि आपका बजट कितना है। बजट के हिसाब से मैंने मशीनें भी 3 तरह की दिखाई। इसमें बहुत तरीके की मशीन है, कोडिंग में एक मशीन नहीं, बहुत मशीन है। जब आप कॉल करोगे तो हम आपको जो है सारी जानकारी दे देंगे, लेकिन महंगी आएगी। अच्छा, अगर लो बजट के हैं, आपका लो बजट का काम शुरू कर रहे हैं, नया स्टार्टअप है, आपको पाउच पे प्रिंट करना है, किसी तरह के जो है आपको डब्बे पे प्रिंट करना है MRP वगैरह, तो उसके लिए जो है आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जो हमारा दिल्ली में भी है, बिहार में भी है और बॉम्बे में भी है। रही ऑनलाइन ऑर्डर, काफी लोग डरते हैं कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर मंगाऊं, हाँ, पेमेंट कर दूं तो हो सकता है मेरे साथ फ्रॉड हो जाए, हमारे पास कोरियर के थ्रू ना आए, या आ जाए तो भाई अगर मैंने मंगा भी लिया ऑनलाइन तो हमें कैसे सीखूंगा, कैसे यूज करूंगा। हम हर एक चीज का पर्टिकुलर वीडियो बना के रखते हैं मैम, ठीक है, उस वीडियो से जो आप उसको सीख सकते, नहीं तो हमें वीडियो कॉल करके हम आपको गाइड कर देते, आप ऐसे ऐसे इसको करो। थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन ऑनलाइन में आप सीख जाते हो, क्योंकि यहाँ भी हम आप आते हो तो प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाते हो, बाद में आपको घर पे जाने का फिर भूल जाते हो, तो फिर हमसे ही आप कॉल पे ही जो है सारी जानकारी लेते हो। रही बात ऑनलाइन की, ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करते हो हमारी कंपनी के अकाउंट में कर सकते हो पेमेंट, हमारा इंडिया मार्ट पे भी है, हम 2017 से हैं। हमारा अशरफ इंटरप्राइजेस कंपनी आज की नहीं, काफी पुरानी है। आप कहीं भी चैनल पे यूट्यूब पे वीडियोस खोल लेंगे, किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे जो भाई इन्होंने फ्रॉड किया या कंपनी ने जो है पैसे ले लिए, हमें माल नहीं दिया, माल दिया तो गलत माल दे दिया, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आप कंपनी पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, आप हमारे किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, हम आपको नंबर भी हाईलाइट कर रहे हैं, इसमें हमारी कंपनी का वेबसाइट भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको ट्रस्ट करके आप ये मशीन मंगा सकते हैं और आप अपना काम जो है आसान कर सकते हैं। तो ये हम आपके जो है सहायता कर रहे हैं एक तौर पे, जो भाई प्रिंटिंग की कॉस्ट जो है वो बचा रहे हैं, स्टिकर की कॉस्ट बचा रहे हैं, सस्ते में आपके लिए हमने इस तरह की मशीनें लेके आए हैं। तो आई होप सो दोस्तों आपको काफी सारी चीजें जानने को मिली है, और अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए, अगर आपको विजिट करना है ऑफिस और कुछ अधिक जानना है, वीडियो लेनी है, डेमो वीडियो चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मशीन खरीदनी है, तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा कंपनी का, वहां पे जाके आप कंपनी को कॉल कर सकते हो, अशरफ सर आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देखो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको पता लग जाए। सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फिर से मिलूंगी मैं अंजलि आपको दूसरी वीडियो, तो टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।